बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बीईसी फूड सीक्रेट में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं कीमा और चनों की दाल। ये हमने कीमा ले लिया है, 1 किलो कीमा तकरीबन ये, और ये लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चें और ये टमाटर हैं, इनको हमने चॉप कर लिया। ये 2 अदद प्याज थे, तो 8-10 जवे लहसुन के थे, 7-8 सब्ज़ मिर्चें थी और एक बड़ा टुकड़ा अदरक का था, तो इनको हमने सारी चीज़ों को चॉप करके रख लिया। ये 3 अदद टमाटर हैं, ये भी इसके अंदर जाएंगे। अब हम प्रेशर के अंदर 1 कप ऑयल डाल लेते हैं, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल के उसको भूनते हैं। ये हम लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चें और प्याज चॉप किया हुआ प्रेशर के अंदर डालते हैं। ये हमने चॉप की हुई चीज़ों को भून लिया अच्छी तरह, तो अब इसके अंदर हम डाल लेते हैं कीमा। कीमे को भी अच्छे से भून लेते हैं। इसके अंदर जो सा थोड़ा बहुत पानी है ना, वो अच्छे से कुछ हो जाए और साथ में ये भून के ना लाइट ब्राउन कलर का हो जाए, इससे इसका जायका बड़ा अच्छा होता है। माशाल्लाह कीमा हमारा भुन चुका है, उसका घी भी अलग हो गया। तो अब इसके अंदर हम ये खुशक मसाले डाल देते हैं। ये 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच सुरख मिर्च है, 1/2 चम्मच हल्दी है, ये इसके अंदर डाल देते हैं। और वो जो थे 3 टमाटर थे, उनको मैंने ये काट लिया, ये भी इसके अंदर जा रहे हैं। इनको अब 3-4 मिनट के लिए भूनते हैं। ये देखें कीमा हमारा भून चुका है, 3-4 मिनट हो गए हैं हमें इसको भूनते हुए। कीमा हमारा अच्छी तरह भून चुका है, तो अब ये मेरे पास 1 पाव दाल है, इसको मैंने गर्म पानी में 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। इसको पानी समेत ही कीमे के अंदर डाल के प्रेशर को बंद करके 15 मिनट के लिए चूल्हे के ऊपर रखते हैं। ये देखें माशाल्लाह, 15 मिनट के बाद जब हमने प्रेशर को खोला, हमारी दाल और कीमा अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हमने चूल्हे की फ्लेम को स्लो कर दिया, तो 5 मिनट तक इसको मज़ीद पकाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, दाल हमारी रेडी हो चुकी है, दाल कीमा। और अब हमने इसके अंदर ये डालना है, ये देखें मसाले खुशक। ये 1 चम्मच गरम मसाला है, 1 चम्मच खुशक धनिया है, 1 चम्मच काली मिर्च है, और नमक थोड़ा सा कम था, मैंने चेक करके देखा, ये 1/2 चम्मच नमक है, ये इसके अंदर जाएंगे। और ये मेरे पास थोड़ा सा फ्रेश धनिया, पुदीना और थोड़ी सी फ्रेश मेथी होती है, तो वो इसके अंदर डाल देते हैं। तो दाल हमारी माशाल्लाह रेडी हो चुकी है।